लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर लगातार हैं बॉलीवुड के भाई जान सलमान खान और लगातार सलमान खान को धमकियां भी दी जा रही हैं। 26 साल पुराने काले हिरण शिकार के मामले में सलमान खान पर जान का खतरा लगातार मंडराया हुआ है, ये बात आप सभी जानते हैं। खासकर 12 अक्टूबर को जिस तरीके से सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराया है और मकसद था सिर्फ सलमान खान को यह वार्निंग देना कि जल्दी से जल्दी जोधपुर के मंदिर में जाकर वो अपने किए पर माफी मांग ले। लेकिन सलमान खान और उनकी फैमिली ने यह बात साफ कर दी है कि सलमान खान इस मामले में बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने काले हिरण का ना शिकार किया और ना ही उसे मारा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से एक्टर की सिक्योरिटी के लिए फैमिली से लेकर प्रशासन तक सभी परेशान हैं। अब हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कबूल कर लिया है जिसके बाद सलमान खान की फैमिली और खुद सलमान खान काफी परेशान हो गए हैं। जी हां, अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला है कि उसे सलमान खान को जान से मारना है और उसने आखिर ये धमकी क्यों दी और इसकी वजह क्या है। काले हिरण केस को लेकर सलमान खान पर लगातार लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि इस मामले में सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए, तो कोई ये भी कह रहा है कि दोनों ऐसा टीआरपी पाने के लिए कर रहे हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई का वो स्टेटमेंट है जिसमें उसने खुद बताया कि आखिर वो धमकी क्यों दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उसने मीडिया में आने के लिए ऐसा किया, साथ ही वो बिश्नोई समाज में अपना बड़ा नाम करना चाहता है। जी हाँ, दरअसल ये काला हिरण नहीं है इस पूरे मामले की जड़, ये वजह है क्या ये लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने स्टेटमेंट में बताई है। लॉरेंस बिश्नोई का जो बयान है, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने इस बयान में कहा, मुझे वासुदेव ईरानी के मर्डर केस में गिरफ्तार करके जोधपुर लाया गया, जहां पर मुझे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सलमान खान भी वहीं कोर्ट में तारीख पर आया था। उसे मैंने जान से मारने की धमकी दी क्योंकि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और कोर्ट से उसे सजा नहीं मिल रही थी। मैंने सिर्फ मीडिया में अटेंशन पाने के लिए और बिश्नोई समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा किया। सलमान खान को धमकी देने के केस में मुझे गिरफ्तार किया गया। कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो ऐसा ही सलमान खान के साथ भी हुआ। उन्होंने धमकियों से डरकर अपना काम करना बंद नहीं किया। बीते हफ्ते ही बिग बॉस होस्ट भी वो करते नजर आए। इस दौरान सलमान खान काफी इमोशनल भी नजर आए। लेकिन फिलहाल जो लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट सामने आया है, इससे साफ होता है कि सिर्फ डर बनाने के लिए, सिर्फ बिश्नोई समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए शायद लॉरेंस बिश्नोई ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि इस स्टेटमेंट से साबित नहीं होता है कि सलमान खान उसके निशाने पर नहीं है। सलमान खान की सिक्योरिटी को डबल कर दिया गया है, उनकी फैमिली काफी परेशान है, हर तरीके की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, सब तरीके के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि सलमान खान की जान को कोई नुकसान ना हो। फिलहाल तो लॉरेंस बिश्नोई ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, चैनल के पास उनका बयान है और जिस तरीके से वो ये कहता नजर आ रहा है कि उसने सिर्फ मीडिया की अटेंशन पाने के लिए सब कुछ किया, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप, जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।